दोस्तों आज आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको नए मोबाइल से जुड़ी हुई बहुत खास जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं या आपने हाल ही में नया मोबाइल लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपके नए मोबाइल को सालों साल नया बनाकर ही रखेगा। आपको बस कुछ तरीके अपनाने हैं अपने फ़ोन से जुड़े हुए। तो चलिए बात करते हैं वो क्या तरीके हैं जो आपके फ़ोन को लंबे समय तक नया बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों जब भी आप नया मोबाइल लें तो सबसे पहले उसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास जो कि सभी हम चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि टेम्पर्ड लगाने के बाद हमारे फ़ोन के स्क्रीन टूटने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हम ज़रूरी काम हमें करना है वो ये करना है कि अपने फ़ोन को लेमिनेशन आपको ज़रूर करवानी है। लेमिनेशन से क्या होगा दोस्तों, जब हम अपने फ़ोन के ऊपर कवर चढ़ाते हैं तो कवर चढ़ाने से हमारे फ़ोन की बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस बन जाते हैं। स्क्रैचेस ही हमारे फ़ोन को पुराना लुक देते हैं। तो दोस्तों जो अगर आपका फ़ोन स्क्रैच फ्री रहेगा तो आपका फ़ोन नया भी लगेगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने फ़ोन को अच्छी तरह से लेमिनेशन करवाइए, और लेमिनेशन कराने के बाद आपको जो अगला काम करना है वो अपने फ़ोन के ऊपर एक अच्छा कवर चढ़ाना है। कवर ध्यान रहे कि हार्ड ना हो, क्योंकि हार्ड जो है वो आपके फ़ोन की जो बॉडी है उसके ऊपर स्क्रैचेस बना सकता है, लेकिन लेमिनेशन कराने के बाद तो नहीं बनाएगा। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप सॉफ्ट केस अगर आपको मिलता है तो आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है अपने फ़ोन के अंदर एक अच्छी कंपनी का एंटीवायरस ज़रूर डाउनलोड करके रखिए। दोस्तों नए फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वायरस जल्दी से आ जाए, इसलिए अपने फ़ोन के अंदर आप जल्द से जल्द एक अच्छी कंपनी का एंटीवायरस ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए। अगला जो आपको करना है कि अपने फ़ोन में जब भी आप कुछ भी साइट्स चलाते हैं या कुछ भी आप काम करते हैं ऑनलाइन, तो अपना जो भी पासवर्ड है उसको कभी भी आप स्टोर करके मत रखिए। दोस्तों सबसे बड़ी गलती नए फ़ोन के अंदर हम यही करते हैं कि जब भी हम लॉगिन करते हैं, चाहे वो गूगल आईडी है, चाहे वो जीमेल या कुछ भी XYZ आईडीज़, जब हम लॉगिन करते हैं तो अपना पासवर्ड जो है वो स्टोर कर लेते हैं या सेव कर देते हैं। तो आपको ये गलती अपने नए फ़ोन के साथ नहीं करनी है। तो अगला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि अपने फ़ोन का आप अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखिए। दोस्तों हम 15,000-20,000-25,000 के फ़ोन लेते हैं और वो फ़ोन मान लीजिए अचानक हमारे हाथ से छूट कर गिर जाता है और टूट जाता है या चोरी हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा नया फ़ोन होता है। दोस्तों इससे बचने के लिए आप जब शुरू में ही अपने फ़ोन का इंश्योरेंस करवा लेंगे तो वो इंश्योरेंस बहुत ही मामूली खर्चे पर आपको मिल जाता है। 600-700-800 इस तरह से या 1,000 रुपये तक भी अगर आपको इंश्योरेंस मिल जाता है तो आप करवा लीजिए। और उससे ये होगा कि साल की आपको उसके अंदर वारंटी मिल जाएगी। अगर एक साल के अंदर कुछ भी टूट फूट होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरी तरह से आपको पूरा आपको पैसा मुहैया कराएगी, या फिर आप जिससे नया फ़ोन भी ले पाएंगे। दोस्तों लेकिन सबसे ज़रूरी बात एक यहाँ पर जो आपको करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप अपना नया फ़ोन लेते हैं या मोबाइल लेते हैं, आपको सबसे पहले एक काम करना है, वो करना है आपके फ़ोन का IMEI नंबर, जो कि एक यूनिक ID नंबर होता है हर फ़ोन का, तो वो IMEI नंबर आपको कहीं पर भी लिख कर रख लेना है। ऐसी जगह लिख कर रख लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए। आप लिख कर इसको रखना चाहते हैं तो अपने बैंक की पासबुक के बैक साइड में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पासबुक हम अच्छी तरह संभाल के रखते हैं। तो आप उस पासबुक के बैक साइड में आप अपना IMEI नंबर फ़ोन का ज़रूर लिख के रखिए, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कभी खो गया या कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई, कोई चोरी हो गया, तो यही IMEI नंबर आपको अपने फ़ोन तक पहुंचा सकता है। लेकिन हम लोग अपने IMEI नंबर को लिखते नहीं हैं, हमें याद भी नहीं होता। जब कभी इस तरह की कुछ मिसहैपनिंग होती है तो हम अपने फ़ोन को ट्रेस भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो आपको नए फ़ोन के साथ आपको अपनाना चाहिए। ये आपको सिक्योर भी करेगी और आपके फ़ोन को लॉन्ग लास्टिंग लंबा नया बनाकर भी रखेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये सब्सक्राइब के लाल निशान के पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।